मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शब्द है जिसको कहते हैं अनुग्रह, ग्रेस, फजल। कभी आपने इसका एहसास किया है कि आखिर ये ग्रेस आखिर है क्या? मैं आज आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहता हूं कि आखिर ग्रेस या फजल या अनुग्रह क्या है क्या आखिर? ये देखिए, साफ पानी ये हमारे जीवन की तरह है और हमारे जीवन में पाप है। पाप, जो बुरे बुरे चीजें करते हैं ना हम, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, झगड़े, झूठ, सब प्रकार की बुराइयां जिसको पाप कहते हैं, हमारे जीवन में है और हमारे जीवन को बिल्कुल नापाक कर दिया है। कोई पवित्रता नहीं हम में, कोई धार्मिकता नहीं है। बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है। हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है, इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती हैं जो मैंने अभी आपको बताया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में बुलाते, क्योंकि वही है जिसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर लिए, सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित उद्धार करता प्रभु परमेश्वर है। मेरे दोस्तों, ये देखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं और उस पर विश्वास लाते हैं, तो क्या होता है? तो ये होता है, ये अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हमने और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप और अधर्म से शुद्ध कर देता है और हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। क्या अजीब चीज है ना ये, क्या अनुग्रह है ये। ओ, व्हाट एन एक्ट ऑफ ग्रेस। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पर याद रखे, अगर फिर भी हम बुराइयां करते हैं, फिर भी देखिए हमारे जीवन में रोजमर्रा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, बुरे विचार, बुरी बातें, पर जब हम क्षमा मांगते हैं, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट अवेल्स, उसका लहू हमारे लिए फिर भी अवेल करता है। ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और फजल हमारे जीवन में बहुत है। अमेजिंग ग्रेस, हाउ कैन इट बी, कैसे होता है ये, कभी सोचा है आपने? नहीं, हमारे समझ के परे है, अमेजिंग है ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का। वाह!